हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। ये हमारी कंपनी की सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है जिसको हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं। मशीन को इंस्टॉलेशन कैसे करना है, फिटिंग कैसे करना है, इसमें आइसक्रीम कैसे बनाना है, उसकी ये वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा तो जिसके बारे में आपको इजीली आप अपने हाथ से इंस्टॉलेशन कर सके मशीन को और इसको ऑपरेट कर सको। आइसक्रीम की क्वालिटी कैसे अच्छी बनानी है आप इसको ऑपरेट कर सके, इसके लिए हम पूरी ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली हमारी मशीन डिलीवरी के लिए जा रही है और हमारे एक मशीन को डिलीवरी पूरी टेस्टिंग वर्किंग करके आइसक्रीम निकाल के हम डिलीवर करते हैं। यहाँ से हर एक मशीन टेस्टिंग करे, कस्टमर को वीडियो दिखा के फिर डिलीवरी करे, तो हम आपको इसको ऑपरेट करना समझाएंगे कैसे इसको ऑपरेट करना है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है बताएंगे आपको। आपके वहां जब मशीन आएंगी तो ये पोजिशन के अंदर आएंगी, ये कंडीशन के अंदर मशीन आएंगी आपके वहां पे। तो इसको ऑपरेट कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसके जो रोलर रहते हैं, ये जो रोलर है इसके, इसको आपको इंस्टॉलेशन करना है। इसको इसका जो वाइसर रहता है, इसको वाइसर को इजीली इंस्टॉल इस पे करना है आपको और इसको यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन करना है। इसको ये पोजिशन के अंदर इंस्टॉल करना है आपको इसको। वही हिसाब से इसको भी, दूसरा रोलर है इसको भी वही हिसाब से इंस्टॉल करना है आपको। लॉक हो गया, दोनों इंस्टॉल हो गए। अभी इसका जो ये हेड है जिसमें से आइसक्रीम निकलता है, ये हेड को, इसके दो ओरिंग आते हैं पीछे, इसको ओरिंग को अच्छे से फिट कर देना है पहले आपको। ये जो ओरिंग से व्हाइट कलर के, इसको अच्छे से फिट कर देना है आपको। ये रोलर को अपने ये सेम पोजीशन के अंदर इसको लगाना है आपको। ये देखिए आप इसको, इसके दो चार बोल्ट आते हैं। सबसे पहले ये बोल्ट यहाँ पे क्रॉस में इंस्टॉल करना है आपको। एक एक क्रॉसिंग में करना है, दूसरा एक क्रॉसिंग में करना है। जैसे इसको लेवल से इंस्टॉल करना है आपको। ये फिट हो गया इसका हेड। अभी आपको इसको नॉर्मल वाटर से इसको थोड़ा वॉश करना है आपको। जो नॉर्मल सादा पानी रहता है, जब से सबसे पहले मशीन आता है, इसने नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करना है। इसका लाइटिंग वाला लोगो रहता है ऊपर का। इसके बाउल है, इसमें नॉर्मल वाटर है हमारे पास, इससे हम इसको वॉश करेंगे। इसी तरह से आपको फर्स्ट टाइम इसको नॉर्मल वाटर से इसको ऐसे वॉश कर देना है। इसे इसमें वाटर डालने के बाद मशीन को आपको, मशीन का स्विच यहाँ नीचे दिया गया है, इसको ऑन करना है। स्विच को यहाँ पे स्विच दिया गया मशीन का, इसमें ऑन करेंगे इसलिए इसका डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगा। ये डिस्प्ले स्टार्ट हो गया इसका। अभी इसमें सब वोल्टेज डिटेल्स है, इसका सब फंक्शन अभी बता रहा है डिस्प्ले के अंदर। अभी यहाँ पे क्लीन का बटन दिया हुआ है, क्लीन करके, एक क्लीन का बटन दबाने से अंदर का आपने भी अपने जो रोलर इसको दिया है वो ऑपरेट होगा, उसका वर्किंग करेगा, जितना भी ऑपरेट है उसका वर्किंग करेगा। एक क्लीन का बटन को अपने को बता देना है, वर्किंग होना चालू हो गया, ऑपरेट हो गया। अभी एक से दो मिनट तक इसको घूमने देना है, तो अंदर जो भी डस्ट है वो सब उसके अंदर वो पानी में जो मिक्स हो जाएगा, इसको थोड़ी देर इसको घूमने देना है। अब हम इसमें से दोनों लाइन में से वाटर को आउटलेट निकाल देंगे इसको।
इमिटेड वाला है उसमें से भी थोड़ा निकाल देंगे अपने, तो थोड़ा वो भी लाइन क्लीन हो जाएगा इसका। अभी ये पूरी मशीन क्लीन हो चुकी है, वाटर फिल होके क्लीन पूरी हो चुकी है मशीन। अब हम इसकी फ्लेवर बनाएंगे, कैसे फ्लेवर ऑपरेट करना है, कैसे फ्लेवर बनाना है, अब आप उसको उसका फ्लेवर का रेसिपी बनाएंगे और आपके सामने बताएंगे कैसे फ्लेवर बनाना है। और फ्लेवर भी हमारे ये बायोफ्लेक्स कंपनी का फ्लेवर है, मैंगो का फ्लेवर है। एक पैकेट के अंदर आपको, एक किलो का पैकेट है, इसके अंदर आपको 4 लीटर मिल्क लगाना है, 4 लीटर। अभी हम इसका आधा पैकेट बना के आपको बताएंगे। ये पूरा फूड सर्टिफिकेट वाला फ्लेवर है, IFSSI सर्टिफिकेट है इसके अंदर, आप देख सकते हो पूरा। ये हमने पहले इसका ये फ्लेवर बनाया हुआ है, ये आधा फ्लेवर है, 500 ग्राम का है, आधा फ्लेवर है। ये अभी हम दोनों, एक में है मैंगो फ्लेवर है, दूसरा एक बटर स्कॉच है, दोनों अभी फ्लेवर मिक्स करेंगे अपने। और ये 500 ml का अमूल का मिल्क का थैली है, एक फ्लेवर के अंदर अभी हम 4 थैली लगाएंगे, 2 लीटर दूध डालेंगे, मिल्क डालेंगे आधा, और आधा इसमें डालेंगे। अमूल तो अमूल गोल्ड मिल गया, फुल फैट मिल गया, फुल क्रीमी मिल गया, क्वालिटी भी आपको एकदम नेचुरल निकलता है इसके अंदर से। ये 4 थैली इसके अंदर हो गया अभी। दोनों में 2-2 लीटर मिल्क आ गया अभी। अभी हम इसका अपने पाउडर लगाएंगे, ये मैंगो फ्लेवर है, ये पाउडर है, 500 ग्राम ये लगाएंगे इसमें। ये बटर स्कॉच का फ्लेवर है, ये फ्लेवर मिक्सचर है जो हम मशीन के साथ में फ्री में देते हैं, तो कस्टमर को भी लेने की जरूरत नहीं है अलग से। तो हमने मिक्सिंग करेंगे, ठीक है।
इस मिक्स हो गया है, थोड़ा इसको वॉश कर देंगे, इसमें दूसरा स्माइल नहीं चला जाएगा, इसके ऊपर मैंगो का स्माइल इसमें ना आ जाए, इसमें थोड़ा फ्रेश करेंगे। ये दोनों फ्लेवर मिक्स हो चुका है अभी, अब देख सकते हो पूरा पूरा फैटी है, देखो आप इसके अंदर ये बटर स्कॉच है, मैंगो फ्लेवर से पूरा मिक्स हो चुका है फ्लेवर। अभी हम अपने इसके अंदर बाउल के अंदर इंस्टॉल करेंगे इसको फ्लेवर को। तो करके आपको एक बार इसका जो लाइनिंग है इसमें लाइन से थोड़ा निकाल देना है। इसलिए पूरा लाइन में आ गया फ्लेवर अपना। देखते हैं बटर स्कॉच का फ्लेवर लगाएंगे इसमें। इसको भी अपने लाइन में से ले लेते हैं, इसके दोनों ढक्कन ढक देते हैं, कुछ भी कचरा कुछ भी ज्यादा नहीं है इसके अंदर, इसको भी आपको ढक देना है इसको। अभी हमने मशीन को ऑपरेट करेंगे, अभी इसको स्टार्ट कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। अभी हमने यहाँ पे एक शेक का बटन है, एक कूल का बटन है, एक क्लीन का है, एक टाइमिंग का है, एक प्री कूलिंग का है और एक एयर पंप का है, ठीक है। अभी अपने इसका मेन कंप्रेसर को ऑपरेट करेंगे, जो मेन बड़ा कंप्रेसर रहता है जो आइसक्रीम को मेक करता है, आइसक्रीम को बनाता है, ठीक है। एक कूल का बटन है, इसको हम दबाने से इसको उसको चिल्ड करेगा, उसको ठंडा, जिसके हिसाब से लॉन्ग लाइफ तक मटेरियल खराब नहीं होगा, कुछ होगा नहीं उसको। ये प्री कूलिंग का बटन है, इसको भी अपने ऑपरेट कर दिया। जैसे ही आप उसको प्री कूलिंग बताएंगे, इसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा प्री कूलिंग, कूल का बटन से कूल आएगा, प्री कूलिंग से बताने के प्री कूलिंग आ जाएगा। और इसका एयर पंप सिस्टम है, उसको भी अपने स्टार्ट कर देंगे, जो आइसक्रीम के अंदर एयर एयर फिल करता है, एयर भरता है, जिसको एयर पंप बोलते हैं, वो सिस्टम भी इसको भी अपने स्टार्ट कर दिया। अभी इसको 10 से 15 मिनट के बाद आइसक्रीम कम्प्लीटली मेक होके रेडी हो जाएगा, हम आपको सर्व करके भी बताएंगे। इसके साथ हम ये दूसरा मशीन भी स्टार्ट कर देते हैं आपके सामने, जिसके अंदर हमने पहले से फ्लेवर फिल करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये मशीन भी हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इसमें भी हमने कूल का बटन दबा देते हैं, इसको इसका भी कूल का बटन दबा दिया, इसका भी प्री कूल का बटन दबा देते हैं हमने, और इसका भी पंप का सिस्टम का एयर दबा देते हैं, इसमें तीनों सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है।
एक्स का कोण है, जो कोण रहता है वो इसका एक कोण का कॉस्टिंग है 1.30 रुपए, 1.40 रुपए का कॉस्टिंग है, और आपको ये बेस्ट क्वालिटी का कोण प्लस बेस्ट क्वालिटी का मिल्क प्लस बेस्ट क्वालिटी का पाउडर, ये सब तीनों मिला के एक कोण का कॉस्टिंग आपको 3.5 से 4 रुपए का कॉस्टिंग गिरेगा आपको 3.5 से 4 रुपया। मार्केट में इसका सेलिंग वैल्यू है 15 रुपए का भी बिकता है, लेकिन आप कम से कम इसको 10 रुपए में भी एक कोण को सेल करेंगे आपको मोर देन 60% प्रॉफिट रेशियो इसके अंदर, तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए, ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे नंबर दिए हुए 7575050675, दूसरा नंबर है 9601298282, ये नंबर पे आप कॉल करके सब जानकारी लीजिए, सब डिटेल्स लीजिए। और हमारी ये दूसरी प्रोडक्ट है जूसर मशीन है, जूसर डिस्पेंसर है, जो पूरा कूलिंग प्लांट के साथ में जूसर डिस्पेंसर रहता है, पूरी न्यू मॉडल हमारा, न्यू लॉन्चिंग मॉडल है, और ये भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, अभी मार्केट में बहुत ही अच्छा पॉपुलर बिजनेस है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कोई भी छोटे से स्पेस में कोई भी जगह पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, इंस्टॉल करने का मेंटेन करने का पावर कोई हाई पावर नहीं खाता है, चीज छोटा सा नॉर्मल स्मॉल कंप्रेसर दिया है, इसमें आप कोई भी जूस लगा सकते हो, जैसे गुलाब है, मैंगो है, पाइनएप्पल, लीची है, ऑरेंज है, कोई भी आप फ्लेवर का शरबत जूस लगा सकते हो और कस्टमर को चिल्ड और ठंडा दे सकते हो, तो ये भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये भी अच्छा है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज का रिक्वायरमेंट है, हमारी कंपनी में कॉल करके उससे प्राइसिंग, डिलीवरी, पैकिंग, कैसे कौन सा चीज लेना है, आप हर एक चीज के अंदर कॉन्टेक्ट करके सब डिटेल्स ले सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड में, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।